हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजी और मशीन्स की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अंडरग्राउंड केबल वायर को दूसरे केबल वायर से कैसे जोड़ा जाता है, या फिर क्या आपको पता है कि ग्रेनाइट के टाइल्स या पत्थर को किचन में फिट करने से पहले ग्रेनाइट का डिज़ाइन कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, अगर नहीं पता तो इस वीडियो में मैं आज बताऊँगा कि ये सब कैसे होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, स्पैनर मेकिंग। दोस्तों, यह कमाल की मशीन स्पैनर बनाने का काम करती है। स्पैनर बनाने के लिए सबसे पहले पिघले लोहे को निर्धारित सांचे में डाल देते हैं और फिर इनको सांचे से निकालकर इस मशीन के नीचे रखते जाते हैं, और यह मशीन इन्हें एक निर्धारित साइज में कटिंग करके स्पैनर का आकार देती जाती है। नंबर टू, ग्रेनाइट किचन प्रोसेस। दोस्तों, कई लोग अपने घर के रसोई में लगने वाले ग्रेनाइट पत्थर को बड़े ही मॉडर्न तरीके से लगवाते हैं। इसके लिए कारीगर सबसे पहले रसोई का मेजरमेंट कर लेते हैं, जिससे उन्हें यह पता चल जाता है कि ग्रेनाइट को किस तरह से काटकर डिजाइन देना है। उसके बाद ग्राहक अपना पसंदीदा ग्रेनाइट चुन लेता है। उसके बाद वर्कर रसोई के नाप के अनुसार ग्रेनाइट को काटने का प्रोसेस करते हैं। कटने के बाद इस प्रोसेस में यह रोबोटिक आर्म वाला ऑटोमेटिक मशीन अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे कंप्यूटर से कमांड देकर वर्कर ग्रेनाइट को नाप के अनुसार बड़ी सफाई से काट लेते हैं। अब इन कटे ग्रेनाइट के प्लेटों को ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा फिनिशिंग और पॉलिशिंग के लिए भेज देते हैं। जहां यह मशीन इन कटे टुकड़ों के कोर व कोनों को सफाई से फिनिशिंग देने का काम करती है। उसके बाद इस CNC मशीन की हेल्प से इन टुकड़ों के कोनों को घुमावदार आकार दे दिया जाता है। उसके बाद एक कारीगर इन टुकड़ों में पॉलिशिंग करते जाता है, जिस कारण ग्रेनाइट का रंग और भी निखर जाता है। उसके बाद एक कारीगर फिर से इन टुकड़ों को फिनिशिंग देने का काम करता है, और अब अंत में कंपनी इन सारे ग्रेनाइट के टुकड़ों को ग्राहक के घर पहुंचा देते हैं, जिन्हें कारीगर रसोई में बड़ी आसानी से फिट कर देते हैं। नंबर थ्री, अंडरग्राउंड केबल जंक्शन। दोस्तों, सरकार के कई पावर प्रोजेक्ट्स व बड़ी बड़ी कंपनियों के कई आवश्यकताओं के लिए बेहद मोटे व मजबूत तारों को अंडरग्राउंड बिछाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। पर जब एक केबल तार को दूसरे केबल तार से जोड़ना हो, तब कुछ इस तरह से इस काम को किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले वर्कर इन तार के ऊपर चढ़े मजबूत व जटिल मटेरियल को कुछ दूरी तक निकाल देते हैं। इन तारों में बेहद ही मजबूत मटेरियल की कई लेयर्स चढ़े होते हैं। उसके बाद वर्कर टूल का यूज करके इन तारों के अंदर मौजूद तीन मोटी कॉपर के तारों को बड़ी सफाई से छीलता है। उसके बाद अब दोनों तरफ के इन तारों को इस विशेष क्लिप का यूज करके वर्कर इन तारों को जोड़ता है। यह खास क्लिप इसी प्रकार के तारों को जोड़ने में यूज किया जाता है। इसके बाद कारीगर टेप को इस जॉइंट के ऊपर अच्छे से लपेटता जाता है, और टेप लपेटने के बाद इस टिन कॉपर वायर के जाले को इसमें लपेट देते हैं। अब वर्कर इसके ऊपर एक सफ़ेद जालीदार टेप को लपेटता है और बीच में एक छोटा सा छेद बना देता है, जहां रेसिन और एक अन्य मटेरियल का मिश्रण तैयार करके इसमें भर दिया जाता है। और कुछ ही समय बाद यह मिश्रण इतना मजबूत हो जाता है, जिससे यह केबल वायर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।